हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पब्लिक किचन। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप सब सेहतमंद और खुशहाल होंगे। आज मैं आपके साथ अदरक, लहसुन और हरी मिर्च की पेस्ट कैसे बनाई जाती है वो आपको बताएंगे, जिसको आप लंबे समय तक भी रख सकते हैं और ये हमारे किचन में बहुत ही यूजफुल रहती है। तो चलिए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए रेड बटन क्लिक करें और बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दें, इससे सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंचेगी। इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने हरी मिर्चें ली हैं। ये 150 ग्राम हरी मिर्चें हैं। इनको मैंने अच्छी तरह से धो के सुखा लिया, साफ कर लिया और इसकी पीछे वाली डंडी निकाल दी है। मिर्चें सूखी होनी चाहिए। ये लहसुन था, ये 150 ग्राम मेरा छील के लहसुन हुआ है, जिसको मैंने अच्छी तरह साफ करके इसको छील के रख लिया था। ये 150 ग्राम लहसुन की कलियां हैं और 150 ग्राम ही मैंने अदरक लिया है, जिसको मैंने छील लिया है। सबसे पहले हम अदरक की पेस्ट बनाएंगे। अदरक को सबसे पहले मैंने ग्रेट कर लिया है। ग्रेट करने के बाद मिक्सर ग्राइंडर में इसको डाल दूँगी और इसकी पेस्ट बना लूँगी। ग्रेट करने से पेस्ट थोड़ी आसानी से बन जाती है। अब मैं इसके अंदर 1 चम्मच नमक डाल दूँगी। अगर आपने अदरक और लहसुन की पेस्ट को ज़्यादा देर तक रखना है, जैसे 1 महीने तक रखना है, तो आप नमक के साथ 2 चम्मच कुकिंग ऑयल डाल दें। तो मैंने इसको 1 वीक के अंदर यूज़ कर लेना है, तो इसलिए मैंने सिर्फ नमक ही डाला है। 150 ग्राम अदरक में 1 चम्मच नमक और 2 चम्मच आप कुकिंग ऑयल डाल सकते हैं। अगर आपने इसको 1 महीने तक रखना है, कुछ नहीं होगा, फ्रिज में रख दें। पेस्ट बहुत ही यूज़फुल रहती है। अभी ये मेरी पेस्ट बनी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर देखिए ये बड़े सारे रेशे हैं, पेस्ट अच्छी तरह से नहीं बन रही है। तो 1 चम्मच पानी डाल सकते हैं, ज़्यादा ना डालें पानी, नहीं तो पानी अलग अलग हो जाएगा। अभी मैं इसको थोड़ा सा और ग्राइंड करूँगी। इसको मैंने ग्राइंड किया, 1-2 बार और किया है, तो ये कितनी बढ़िया पेस्ट बन गई है। अब इसी तरह से मैं लहसुन भी ले लूँगी। लहसुन के अंदर भी मैं 1 चम्मच नमक डाल दूँगी। लहसुन को भी आपने अगर लंबे समय तक रखना है, तो इसमें भी आप 2 चम्मच कुकिंग ऑयल डाल सकते हैं, उससे इसकी लाइफ बढ़ जाती है। अब मैंने इसमें 1 टेबलस्पून के करीब पानी डाल दिया है, ताकि इसकी पेस्ट अच्छी बन जाए। ये देखिए, 1-2 बार ग्राइंड करने के बाद ही इसकी पेस्ट बहुत ही बढ़िया बन गई है। अभी बीच में कुछ पीस हैं, तो मैं इसको 1 बार और ग्राइंड कर लेती हूँ। कोई पीस रह गए हैं बीच में लहसुन के। लहसुन की भी पेस्ट अलग से बन गई है। अब हम हरी मिर्चों को भी पेस्ट बना लेंगे, उनकी भी। ये मैंने हरी मिर्चें डाली हैं, लेकिन ये मैंने जब ग्राइंड की, तो वो मिर्चें अच्छी तरह से ग्राइंड नहीं हो रही थी, साबुत मिर्चें थी, तो मुझे निकालनी पड़ी। तो आप भी इस तरह से 4-4 पीस, 3-3 पीस काट के मिर्चों को फिर ग्राइंड करें, तो पेस्ट अच्छी बनेगी। तो मुझे निकालनी पड़ी, क्योंकि वो मिर्चें साबुत ग्राइंड नहीं हो रही थी। सारी मिर्चों को इस तरह से काट के अब मैंने देखिए इसको ग्राइंडर में डाल दिया है। अब मिर्चें, क्योंकि ज़्यादा लंबे समय तक मुझे रखनी है, ज़्यादा यूज़ नहीं होती, तो इसके अंदर मैं ऑयल डालूँगी। 1 चम्मच नमक और इसको ग्राइंड करेंगे। और ये देखिए, 2 चम्मच मैंने इस कुकिंग ऑयल डाल दिया। कोई भी आप जो ऑयल खाते हैं वो डाल दें। और ये देखिए, अभी ये थोड़ी सी दर्दरी है, अभी मैं इसको 1 बार और ग्राइंड कर लूँगी, क्योंकि इसके बीज दिख रहे हैं। इतनी अच्छी पेस्ट बन गई है। इसी तरह से आप लहसुन और अदरक में भी 2 चम्मच ऑयल डाल सकते हैं और पेस्ट तैयार कर सकते हैं। अब ये मेरी जो हरी मिर्चों की पेस्ट है, ये तो काफ़ी लंबे समय तक, 1 महीने तक रख सकते हैं। और लहसुन अदरक जो है, उसमें मैंने ऑयल नहीं डाला, क्योंकि मैं उसको जल्दी यूज़ करना चाहती हूँ। तो ये मेरी अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों की पेस्ट बनके तैयार हो गई, जो आपकी किचन के लिए बहुत ही यूज़फुल रहती है। जब भी आपको सब्जी बनानी हो, फ्रिज में से निकालें और यूज़ कर लें, क्योंकि इसी के ऊपर ही टाइम ज़्यादा लगता है। तो अगर आपको मेरी ये अदरक, लहसुन और हरी मिर्च की पेस्ट बनाई है, जो इसकी रेसिपी अच्छी लगे, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट रेसिपी में फिर मिलते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।